हमारे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बहुत ही जबरदस्त मेहनत की और बहुत परिश्रम किया, बहुत पुरुषार्थ किया। कार्यकर्ताओं ने बड़ा संघर्ष किया और मैं पूरे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ के हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज पूरे हर गांव से कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए और कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर परिणाम को लेकर के जहाँ नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के परिणाम को लेकर के थोड़ी निराशा रही कि 72,500 के करीब वोट लेकर के भी जीत हासिल नहीं हो पाई, फिर भी कार्यकर्ताओं में इस बात की खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हरियाणा की जनता का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है। बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार फिर से चले, सुशासन और विकास करने वाली सरकार फिर से चले और जो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक परिवारवादी तंत्र, जो बाबू बेटा एक हरियाणा की राजनीति को कब्जाना चाहते थे, हथियाना चाहते थे, उनको जो सबक सिखाने का काम हरियाणा की जनता ने किया है उसके लिए 36 बिरादरी की जनता को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। तो सब कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, अगले 5 साल हरियाणा की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम करेगी। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार सफलता हमें मिली है और एक नई सरकार का गठन बहुत जल्दी होगा और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा काम ये आने वाले 5 साल के अंदर सरकार जनहित में करने वाली है। यहाँ बहुत अच्छे मत मिले और कुछ दल जो हैं जो अपेक्षा से बहुत नीचे चले गए, जो सीधा मुकाबला होकर के जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल और जजपा जो है वो बहुत कम मत ले पाए, आम आदमी पार्टी भी बहुत कम मत ले पाई और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का एक प्रचार था और उस प्रचार के भ्रम में हमारे इलाके में कहीं ना कहीं लोग आए और उन्होंने पूरी तरह से जातिवाद का खेल खेला और उस जातिवाद के खेल के आधार पर हमारे लोग कहीं भ्रम में आए और कुछ वोटों का उससे नुकसान हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे विपक्ष के जो धमकाने का जो एक तरीका रहा, धमकी देने का, देख लेंगे, इलाज कर देंगे, इस तरह की जो बातचीत रही, तो कुछ लोग कहीं ना कहीं उसके प्रभाव दबाव में भी आए होंगे। वहीं कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पूरी तरह से चुनाव में, हमारे वर्ग के नाते से मैं सामाजिक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, सरपंचों को भी कहीं ना कहीं भ्रम में डाला हुआ था और उन्होंने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। और अब जो भी है, जनमत है, जनादेश है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे, करते रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। 15 साल से हर सांस में नारनौंद को जिया है और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा जनता के साथ मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर ये संकल्प लेकर के चल रहे हैं कि अब हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अच्छा काम करके फिर जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा, इस प्रकार से संकल्प के साथ काम करेंगे। सरकार के बचकानी बातों का क्या जवाब दें, ये तो आप ही को जवाब दे देना चाहिए, आप तो मेरे से रोज मिलते हो तो ये जवाब तो आपको दे देना चाहिए। और उनका अहंकार है और उनको, लेकिन जीत है, उनको जीत मुबारक है, मैंने शुभकामनाएं दी हैं। मुझे लगता है कि अब उनको मेरे ऊपर बात करने के बजाय उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हल्के की जनता की सेवा अधिक से अधिक कैसे करें, तो मेरी उनको सुझाव है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार फिर से बनी है और बहुत जल्दी केंद्रीय नेतृत्व के साथ सलाह मशवरा करके नायब सिंह जी अपनी कैबिनेट का गठन करने का काम करेंगे।